हेलो दोस्तों दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लाल मिर्च को प्रिंटेड पन्नी में कैसे पैक करते हैं और दोस्तों उससे हमें क्या मार्जिन होगा, ये आपको दोस्तों इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों ये ऐसी पैकिंग है जिसे आप आसानी से घर से ही कर सकते हैं। इससे पहले मैंने लाल मिर्च को कैसे पीसा जाता है और लाल मिर्च को कैसे पैक किया जाता है और लाल मिर्च को ट्रांसपेरेंट पन्नी में कैसे पैक किया जाता है ये वीडियो बना रखी है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें देख लेना। दोस्तों हमें इन्हें पैक करने के लिए सबसे पहले हमें ये पन्नी चाहिए। दोस्तों ये एक कॉमन प्रिंटेड पन्नी है जो दोस्तों आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों ये ऐसी पन्नी है, इस पे किसी का नाम वगैरह नहीं होता और दोस्तों इसमें यहाँ स्टैम्प वगैरह लगाने का ऑप्शन होता है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की ब्रांडिंग करनी है तो आप यहाँ एक अपने नाम का स्टिकर लगा सकते हैं, सिर्फ नाम का स्टिकर, ठीक है दोस्तों, उसे लगा के आप आसानी से इसे पैक कर सकते हैं। आपको पैक करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसके अंदर आपको मिर्च डालनी होगी, मिर्च डाल के आपको सीलिंग मशीन से सील कर देना। जो सीलिंग मशीन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसी सीलिंग मशीन से आपको सील करना है। दोस्तों उससे सील करेंगे, ये सीलिंग मशीन ज़्यादा नहीं 1000-1200 रुपये के आसपास आ जाती है, आपको इस प्रकार सील कर लेना है। तो सील करने के बाद दोस्तों इस प्रकार आपका पैकेट बन जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों ये हमारा 50 ग्राम का पैकेट है, ये 100 ग्राम का पैकेट है, ये 200 ग्राम का पैकेट है। दोस्तों जो 50 ग्राम का पैकेट होता है उस पर हमारी 15 रुपये MRP होती है, जो 100 ग्राम का पैकेट होता है उस पर हमारी 30 रुपये MRP होती है, 200 ग्राम का पैकेट होता है उस पर हमारी 60 रुपये MRP होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें इनकी MRP सेट करनी है। अब दोस्तों मैं आपको इनका मार्जिन समझा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम साबुत मिर्च मार्केट से लेके आए, जो होलसेल मार्केट है वहाँ से हमने साबुत मिर्च खरीद ली। दोस्तों हमने वहाँ से 140 रुपये किलो की मिर्च खरीद ली। वहाँ से खरीदने के बाद हम वहाँ से लेके आए और उसको पीसा या पिसवाया, या तो हमने खुद पीसा या किसी से पिसवाया, तो दोस्तों उसकी कॉस्टिंग हम 10 रुपये मान लेते हैं। तो 10 रुपये कॉस्टिंग के बाद वो हमारी टोटल कॉस्ट पीसे हुए उसकी 150 रुपये हो गई। दोस्तों अब मैं आपको लाल मिर्च को 50 ग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ कि 50 ग्राम में अगर हम पैक करते हैं तो उसका हमें क्या मार्जिन होगा। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको हल्दी के बारे में बताऊंगा, वो मैं आपको 100 ग्राम के हिसाब से बताऊंगा, और दोस्तों धनिए के बारे में बताऊंगा तो 200 ग्राम के हिसाब से बताऊंगा। इस प्रकार आप तीनों चीज़ों का मार्जिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मिर्च को मैं आपको 50 ग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ। 150 रुपये के हिसाब से दोस्तों हम 50 ग्राम मिर्च हम पैक करेंगे तो हमारी मिर्च की जो कॉस्ट हुई वो 7 रुपये 50 पैसे हुई। उसके बाद दोस्तों जो हमारी पन्नी हो गई, ये पन्नी दोस्तों 30 पैसे मान के चलते हैं, और दोस्तों इसके ऊपर अगर हम स्टिकर लगाते हैं, अगर लगाते हैं, नहीं लगाते तब भी चल जाएगा, अगर लगाते हैं तो 10 पैसे का स्टिकर मान लेते हैं। तो दोस्तों ये टोटल कॉस्ट 40 पैसे हो गई। तो दोस्तों ये 7 रुपये 90 पैसे इसकी कॉस्ट आई। इसकी 7 रुपये 90 पैसे कॉस्ट के बाद जो दोस्तों हम 10 पैसे अदर एक्सपेंस मान लेते हैं, पर पैकेट 10 पैसे, तो दोस्तों ये टोटल कॉस्ट 8 रुपये हो गई। अब दोस्तों 50 ग्राम का पैकेट हमें मार्केट में 12 रुपये का सेल करना है, तो दोस्तों हमें एक पैकेट पे 50 ग्राम के एक पैकेट पे 4 रुपये का मार्जिन हुआ। तो दोस्तों जो हमें 4 रुपये का मार्जिन हुआ पर पैकेट। अब दोस्तों इसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी दुकानदार को माल दोगे तो आपको इनकी एक एक किलो के बैग बना लेने, मतलब एक बड़ी पन्नी लेनी है उसमें एक एक किलो ये डाल लेना है। दोस्तों अगर आप 50 ग्राम डालोगे तो 20 पैकेट डालेंगे, 100 ग्राम डालोगे तो 10 पैकेट डालेंगे, 200 ग्राम डालोगे तो 5 पैकेट डालेंगे। इस प्रकार आपको एक बड़े पैकेट के अंदर डाल लेने हैं, डालने के बाद एक एक किलो की ये पैकिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप 50 ग्राम की पैकिंग 20 पैकेट डालोगे, 4 रुपये हमें एक पैकेट पे बचते हैं, तो 80 रुपये किलो मार्जिन हो गया। दोस्तों 20 पैकेट पे हमें 80 रुपये किलो मार्जिन हो गया। दोस्तों 80 रुपये किलो का मिर्च पे बहुत अच्छा मार्जिन है, ये मार्जिन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसी प्रकार आप 100 ग्राम का निकाल सकते हो, इसी प्रकार आप 200 ग्राम का निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका मैंने आपको बता दिया। दोस्तों 80 रुपये किलो मार्जिन बहुत अच्छा मार्जिन होता है, इस प्रकार आप पैक करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप 100 किलो भी सेल करते हैं तो 8000 रुपये दिन का मार्जिन हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हो, 8000 डेली का मार्जिन दोस्तों कम नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।